एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पुलिस को शक है कि यह पूर्व नियोजित थी। आपको बता दें कि पुलिस जांच में पता चला है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया वो बीते करीब 1.5-2 महीने से कुर्ला इलाके में किराए पर रहकर बाबा सिद्दीकी की रेखी कर रहे थे। पुलिस ने तीसरे आरोपी की पहचान कर ली है और वह भी यूपी का रहने वाला है। इससे पहले पुलिस ने जिन दो आरोपियों को पकड़ा है उनमें से एक हरियाणा और एक यूपी का रहने वाला है। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि वो बाबा सिद्दीकी की हत्या के संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं। पुलिस बाबा सिद्दीकी की हत्या में सुपारी लेकर हत्या, व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता या जमीन विवाद में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश निवासी धर्मराज राजेश कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों को हत्या के लिए 50,000 रुपए एडवांस मिले थे और हाल ही में उन्हें हथियार मुहैया कराए गए थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित संबंधित भारतीय न्याय संहिता यानी BNS धाराओं के साथ साथ शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई के बांद्रा इलाके के खेर नगर में बाबा सिद्दीकी को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के ठीक बाहर 3 लोगों ने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी। उन्हें बांद्रा के लीलावती अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और नमूने एकत्र किए तथा पुलिस हमले के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आसपास के स्थानों के CCTV फुटेज की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने 9.9mm की पिस्तौल से 6 राउंड फायर किए जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले की जाँच के लिए मुंबई पुलिस ने कई टीमें गठित की है। अधिकारी ने बताया कि फरार तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए कुछ टीमें महाराष्ट्र से बाहर भी भेजी गई हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वारदात को अंजाम देने की साजिश के पीछे की वजह भी बताई है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। गैंग का दावा है कि वो सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ संबंध थी। बाबा सिद्दीकी का कथित शराफत महज छलावा मात्र है। उनका बीते समय में दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में शामिल होने का भी गवाह है। बिश्नोई गैंग का दावा है कि जो कोई भी सलमान खान और दाऊद के गिरोह की मदद करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गैंग की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर कोई उनके भाई को नुकसान पहुंचाएगा तो वे पलटवार जरूर करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।